गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ चलिए ठीक है, फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है इससे पिछला क्लास में कुछ याद है? अच्छा, क्या प्रश्न है इससे पहले वाले क्लास में, बताइए जरा। देखिए, आज हम लोग ना कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या क्या कहता है कि इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना रहता है, जितना सारा फोर्स रहता है उसका रिजल्टेंट निकालना रहता है। तो रिजल्टेंट पता है क्या होता है? देखिए मैं बता देता हूँ आपको रिजल्टेंट क्या होता है। सर फाइनली व्हाट वी गॉट, क्या जब कोई चीज सॉल्व करके जो हमें मिलता है लास्ट में उसी को रिजल्ट करते हैं। और कोई कुछ बोल पाएगा क्या रिजल्ट के बारे में? देखिए रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। यहां मान लीजिए दो फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, और दूसरा फोर्स लग रहा है मेरा इधर। इधर की तरफ लग रहा है, F2 लग रहा है। तो इसका जो मेरा रिजल्टेंट होगा ना, जो दोनों का समेशन करके आएगा, मतलब दोनों का मिला करके, दोनों को मिला करके जो इफेक्ट मिलेगा फोर्स का, उसको हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट बोलेंगे। फोर्स वन, ये वाला फोर्स, और फोर्स टू की वजह से जो मेरा रिजल्टेंट का मतलब होता है, इसको समेशन करके जो फोर्स का इफेक्ट मिलेगा हमको, उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, दोनों फोर्स का जो इफेक्ट मिलेगा मिला करके, मतलब मान लीजिए एक फोर्स लगा रहा है उधर राइट साइड की तरफ, और एक आहिस्ता से मूव करता है, और उसमें क्या करिए एक फोर्स और लगा दीजिए, तो क्या करेगा बॉडी बहुत ज्यादा मतलब स्पीड में जाने लगेगा। तो दोनों फोर्स की वजह से मतलब एक बॉडी का मोशन फास्ट हो गया। तो दोनों का बॉडी का जो अभी फोर्स लग रहा है बॉडी में, तो दोनों को समेशन करके जो इफेक्ट मिल रहा है, जो फोर्सेस मिल रहा है, उस फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट कुछ नहीं है, जितना सारा फोर्स लगेगा उसका समेशन इफेक्ट को ही हम लोग, अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स का जो सब फोर्स का जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स का रिजल्टेंट। अगर कहीं पे वेक्टर एडिशन का अगर रिजल्टेंट निकालना हो आपको, तो वहां पे वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब रिजल्टेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्स में ही आएगा, किसी भी चीज में अगर उसका अगर इफेक्ट, यहाँ पे क्या है दो फोर्स लग रहा है, देखिए मेरा बॉडी में क्या है यहाँ पे जो दो फोर्स लग रहा है, इस दो फोर्स के वजह से हमको एक ही डायरेक्शन में, मतलब अगर मान लीजिए दो तीन फोर्स लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है, पहले मान लीजिए किसी बॉडी में आप एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के वजह से बॉडी मूव कर रहा होगा, कहीं पर भी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए मूव कर रहा है बॉडी। अब मान लीजिए क्या करिए और एक फोर्स लगा दीजिए। अब जो बॉडी मूव कर रहा था जितना स्पीड या वेलोसिटी से, अब क्या होगा बॉडी अब फास्ट मूव करने लगेगा। तो ये जो फोर्स के वजह से मेरा बॉडी, दूसरा फोर्स के वजह से बॉडी फास्ट मूव करने लगा, तो क्या हो रहा था कि दोनों का समेशन करके जो इफेक्ट मिल रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। मतलब फोर्स वन और फोर्स टू के वजह से जो इफेक्ट मिल रहा है फोर्स का मेरा, उसी इफेक्ट को हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे। जितना सारा फोर्स यहाँ पे दो दो लग रहा है, तीन भी लग सकता है, तो तीन के लिए हम लोग अलग से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सिर्फ फोर्स ही नहीं, किसी भी चीज में उसका अलग अलग रिजल्टेंट हो सकता है। मतलब कि जितना सारा उसमें थिंक, मतलब कुछ भी चीज उसमें एक्ट करेगा, वो सारे चीज की वजह से जो इफेक्ट मिलेगा हमको एक साथ मिला करके, उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। ओके, अच्छा सुनाई दे रहा है तो? यस सर। ओके, चलिए आज एक हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, शायद आप लोग को रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट पता हो गया हो, मतलब मिला जुला करके एक साथ में। ठीक है, कुछ भी अगर हमको कुछ दे, अगर फोर्स अगर दे या फिर कुछ भी दे,
तो उसका जो मिला जुला करके इफेक्ट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। आज हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मेथड फॉर फाइंडिंग या फिर फॉर द रिजल्टेंट फोर्स, कि हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर तो है मेरा क्या है, एनालिटिकल मेथड, और दूसरा है मेथड ऑफ रेजुलेशन। ये थोड़ा देर में पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ एनालिटिकल या फिर एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड में दो तरह का आता है, एक आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, और वो जो मेथड ऑफ रेजुलेशन था इसी में आ जाता है। तो आज हम लोग पढ़ लेंगे पैरेललो लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आज हम लोग का यही चलेगा कि हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक दो चीज बताओ आप लोग के यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम किसी को समझ में आता है, किसको बोलता है पैरेललोग्राम, क्योंकि ये वर्ड पे ही सारा कुछ छुपा हुआ। अपोजिट साइड अच्छा सर इक्वल ओके, ठीक है, मैं कर देता हूँ इक्वल आप लोग के पास। नो सर, इक्वल नहीं होगा, पैरेलल होगा। ओके, पैरेलल कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। ये लाइन है, लाइन ये नहीं हो रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। एक ये है, ये है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी बी है, और दो साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। एक ये और एक ऐसा है, ये दोनों मतलब सारे एंगल, ये सारा एंगल जो है 90 डिग्री है, ये सारा एंगल 90 डिग्री। ये मैथ का पार्ट है, फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं, दिक्कत सर नहीं। ये साइड का लेंथ ये है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, और एक ऐसा है, इसका ये है, ये भी ये है, ये बी है, ये बी है। अब क्या है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ थीटा इज इक्वल टू। अपोजिट एंगल सेम होगा। अब बोलो किसका क्या नाम है, सर किसको क्या बोलते हैं? पहला वाला रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। पैरेग्राम। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं, पैरेललोग्राम। तो ये सारा चीज शायद सबको आता है, कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आता है? ये समझाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, या फिर आपको रेक्टेंगल समझाना पड़ेगा। बिना चीजें पूछो अगर किसी को नहीं आता है कि कैसे क्या होता है। अर्पिता, आशिमा, आश्मी कुमारी, हेलो समझ में आया? सर, ये सारा चीज आता है ना, छोटा छोटा चीज सब, स्क्वायर क्या होता है। तो यस ठीक है, तो हम सर, ओके, तो हम लोग चलते हैं अपना इसमें थ्योरम में। जो मेरा थ्योरम है क्या बोलता है देख लो, यहाँ पे एक बार पढ़ लो, ये जरूरत नहीं पड़ेगा, जो एनालिटिकल मेथड है हम लोग को जो कैलकुलेशन करना है वही आएगा। फिर भी अगर स्टेटमेंट लिखने आए तो यही लिखना कि इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल विल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच पासेस थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये सारे का मीनिंग बोल देता हूँ मैं अभी। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, और पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए स्क्वायर रेक्टेंगल वाले में देख लीजिए, यहाँ पे सर,
ये दोनों मेरा क्या है, एडजेसेंट साइड है, ये दोनों कलर चेंज नहीं हो रहा है, हो गया, ये दोनों है ना मेरे लिए क्या है, एडजेसेंट साइड है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, पास में जो पास पास है ये एडजेसेंट साइड है, इसी तरह से ये एडजेसेंट साइड है, और इसमें ये और ए एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट साइड है, ये और ये एडजेसेंट साइड है, जो पास पास में है वो एडजेसेंट साइड है। तो क्या कहता है कि अगर मेरा पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड में कोई फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो डायगोनल से डायगोनल जो होगा मेरा, ये डायगोनल होता है पता है आप लोग को, जो डायगोनल से होकर जो डायगोनल होगा वो मेरा क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा। मान लीजिए इसमें मेरा एफ वन फोर्स लग रहा है, एफ वन, और इसमें एफ टू फोर्स लग रहा है। मैं बढ़िया से इसको करके बता देता हूँ आप लोग को, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट लेना है क्या, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अभी बाकी है। क्या था यहाँ पे हम लोग का, एक पैरेललोग्राम बनाना है हमको, उस पैरेललोग्राम का जो मेरा एडजेसेंट साइड में जो फोर्सेस लगेगा वो फोर्सेस का रिजल्टेंट मेरा डायगोनल में डायगोनल होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा एक पैरेललोग्राम और इसका ये डायगोनल है, ठीक है। मान लीजिए दो फोर्स को मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एफ वन लग रहा है, एफ वन, और इधर एफ टू लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, याद रखिएगा थीटा कहाँ भूल रहा हूँ मैं, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। दो एंगल आपको यहाँ पे याद रखना है, एक थीटा और एक अल्फा, दो एंगल याद रखना है आपको, एक थीटा और एक अल्फा, ये अल्फा है और ये जो इधर जा रहा है ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा क्या 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 है, क्या है ये, क्या है R इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। उसके बाद थीटा को तो आप लोग जानते हैं शायद, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा, और इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है। इसमें तो और कुछ है ही नहीं, थीटा अल्फा और एफ वन एफ टू तो फोर्स है, दोनों एफ वन और एफ टू दोनों क्या है, फोर्सेस है, क्योंकि हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस ही पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्स होगा, दोनों फोर्सेस ही है, ठीक है। देखो तुम लोग का ये जो है ना प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसी वजह से अगर किसी को प्रूफ चाहिए मैं स्लाइड दे दूंगा आप लोग को, प्रूफ है मेरे पास कि कैसे आता है ये सारा चीज, ये जो प्रूफ है ना ये आता है, तो आप लोग को सिलेबस में है ही नहीं ये प्रूफ, डायरेक्ट आप लोग का यही है फॉर्मूला ही है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, फिर भी हम लोग मैं दे दूंगा आप लोग को ये प्रूफ कि कैसे आता है रिजल्टेंट का। तो हम लोग को रिजल्टेंट क्या निकालना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, कैसे, रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, जब भी मैं बोलूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, ये मेरा होगा, इसका फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अभी जो स्लाइड थोड़ा देर पहले मैंने दिखाया उसको मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, कोई बता पाएगा क्या, यूनिट रिजल्टेंट फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन न्यूटन होना चाहिए, और सर आदित्य संदीप, क्या होगा रिजल्टेंट, मेरा रिजल्टेंट फोर्स का यूनिट क्या होगा,
ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा इसमें चलूंगा स्लाइड में। क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू हम लोग का क्या है, एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वन इंटू एफ टू इंटू कॉस थीटा। ये है हम लोग का फॉर्मूला। अच्छा आप लोग बोलिए, यहाँ पे बोलिए जरा कि ये जो F1 है, F1 का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन होगा। यस सर। यस स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ। यस सर। और एक चीज इधर बोल देता हूँ मैं, ये है इम्पोर्टेंट है। अच्छा वन न्यूटन प्लस या फिर दो मीटर को कभी मैं वन न्यूटन से ऐड कर सकता हूँ क्या, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल है कि वन न्यूटन को मैं मतलब एक किलो न्यूटन फोर्स को दो मीटर से ऐड कर सकता हूँ क्या, या फिर माइनस कर सकता हूँ क्या कभी? हाँ तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब यही है कि आपको अगर किसी भी यूनिट को प्लस माइनस करना हो तो आप उस यूनिट को हमेशा पहले सेम करो। मतलब क्या, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलो कि वन मीटर प्लस टू सेंटीमीटर, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसको आप नहीं, हाँ किसी को, किसी एक को आपको क्या है, एक में क्या है ऐसा यूनिट है, ये वाला ऐसा यूनिट है, ये वाला सीजीएस यूनिट है, इसको भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। किसी एक को चेंज कर दो आप, उसके बाद हो जाए। तो वन मीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब क्या आया, मेरा यूनिट अब सेम आ गया, सेम यूनिट आ गया। अगर सेम यूनिट अगर नहीं रहेगा तो आप कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है बट प्लस माइनस नहीं हो सकता अगर आपका यूनिट अगर सेम नहीं रहे। यहाँ तक कि आपको ऐसा ही यूनिट ही रखना पड़ेगा दोनों जगह करने के लिए, अलग यूनिट का तो बात अलग कुछ बात ही नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि न्यूटन और मीटर को कभी आप आलू और प्याज को कभी एक बोल नहीं सकते। इसी तरह से अगर मीटर और सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर है, उसको एक यूनिट में लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाद में काम में आएगा। ठीक है, नहीं ओम प्रकाश कैसे यूनिट लेस होगा, वही प्रूफ करेंगे, आ जाओ, यूनिट लेस नहीं होगा। अच्छा एफ वन का हो गया यूनिट, उसके बाद क्या है प्लस करके, प्लस करके हम लोग देखो यहीं पर प्रूफ करेंगे। एन टू, एन टू का इस मतलब क्या, न्यूटन फोर्स का, एफ टू का फोर्स है, फोर्स का न्यूटन और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस है, ट्वाइस को लिख दिया मैं जैसे। उसके बाद इस एफ वन के लिए क्या लिखा, न्यूटन, और इस एफ टू इंटू न्यूटन, और इस कॉस थीटा का, कॉस थीटा का कुछ यूनिट होता है क्या बोलो? नो सर। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा का यूनिट क्या होता है, थीटा का यूनिट रेडियन नहीं पढ़ा कोई, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, बट कॉस थीटा का यूनिट कुछ नहीं होगा, यही मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलिए तो, ये वाला फिगर से जो मैं यहाँ पे लिखा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 4 मीटर बाय 5 मीटर। ओके, एक ही लड़का ठीक बोल रहा है कि धनीराम, 4 मीटर बाय 5 मीटर जो यूनिट है आपको वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, 4 मीटर बाय 5 मीटर, तो ये तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, कुछ यूनिट आया क्या 4 बाय 5, एक मेरा कांस्टेंट वैल्यू आया। इसी वजह से कहा जाता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो, कॉस थीटा साइन थीटा
कोसेक थीटा, जितना सारा ये है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका यूनिट कभी नहीं होता, लेकिन एंगल का यूनिट मेरा रेडियन होता है या डिग्री होता है, ये दोनों चीज को याद रखना है, ठीक है। ये समझ में आया क्या कि कोस थीटा का यूनिट नहीं होता है लेकिन हम लोग का ऐसा यूनिट का बात करें अगर हम लोग एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, ठीक। ये चीज समझ में आया, ये दोनों चीज के प्लस माइनस वाला और ये कोस थीटा वाला। ओके ओम प्रकाश समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोस थीटा वाला, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? 4 मीटर है। बेस बाय हाइपोटेन्यूस एस, बेस कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर में ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा? 5 मीटर। तो मीटर कैंसिल हो गया ना, तो यूनिट कहाँ रहा उसका? 4/5 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 4/5 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लेकिन थीटा को अगर आप 30 डिग्री बोलते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि थीटा को कुछ बोलते नहीं है, क्या थीटा? थीटा का मतलब कुछ डिग्री एंगल। मान लीजिए थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री लिखा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिख देता ना, ऐसे कोई लिखते हो क्या थीटा इज इक्वल टू 90, या ऐसे कोई लिखते हो क्या? ना ऊपर में एक ये चिन्ह लगाते हैं, ये बोला ऊपर में चिन्ह लगाते हैं, हाँ इसी वजह से बोला जाता है कि ये डिग्री में आता है, ये मेरा सीजीएस यूनिट है, अगर आपको यूज करना है रेडियन यूज करना है, तो ये मैथ में आप पढ़िएगा, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, ठीक है, ये सारा चीज आपको करवा देंगे सर लोग जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, वो हो जाएगा। तो मेरा यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि इस कोस थीटा का यूनिट कुछ होता नहीं है, ठीक है, इसी वजह से मैं कुछ लिखा नहीं, इसको लिखना है तो लिख लो आप लोग, मैं इरेज कर देता हूँ उसको, क्योंकि ये कंटिन्यू करना है आपको, यूनिट आप लोग को बताना है, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आप लोग को थोड़ा टाइम देता हूँ। तो इसके ऊपर क्या है? पावर है 1/2, मतलब रूट। इसका मतलब सबको पता है ना, इसका मतलब क्या होता है? ना ये भी पढ़ाना पड़ेगा उनको, पावर हाफ, हाँ उसका पावर हाफ है, किसके पावर हाफ है, यही तो, यस सर, किसी के पावर अगर ये रहे तो किसी के पावर में हाफ। अच्छा सारा न्यूटन ही है तो ऐड कर दो, 1, 2, 2, 2, 4, 4 न्यूटन, क्या स्क्वायर है, इसी का रूट है। ओके अच्छा, 4 का कुछ यूनिट होता है क्या? 4 का कुछ यूनिट नहीं होता, एक कांस्टेंट है, तो इसी वजह से मैं इसको बात दे देता हूं, उसके बाद लिख देता हूं इसको अंडर रूट एन स्क्वायर। 4 का कुछ यूनिट नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट का, ये आर का यूनिट मतलब रिजल्टेंट फोर्स का यूनिट क्या होगा, हम उसका बात कर रहे हैं, तो 4 का कुछ यूनिट होता है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको मैं बात दे दिया, उसको लिखने का जरूरत नहीं। उसके बाद बताओ आप लोग कि ये जो n पर पावर 2 है, उसके बाद इसका मतलब यही है तो कि ये हाफ है, तो इसको कैसे लिखेगा? n पर पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? n आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? n आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन। तो आप लोग ना याद नहीं रखते हो इसी वजह से कि मैंने बोला था कि जब भी फोर्स का नाम सुनाई दे तो उस समय क्या होगा, उसका यूनिट हमेशा न्यूटन आएगा, SI का बात करें, अगर CGS का बात करें तो डाइन आएगा, किसी तरह का भी फोर्स हो। मैं आप लोगों को ये बात बढ़िया से बोला था कि आपको कहीं भी फोर्स का नाम अगर सुनाई दे, कैसा भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, या फिर आज जो रिजल्टेंट फोर्स हो, उसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या होगा? फोर्स का यूनिटलेस क्यों होगा? रिजल्टेंट फोर्स है, आर को मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये किधर गया वो? देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल आर का वैल्यू, ये रिजल्टेंट फोर्स, तो फोर्स हमेशा क्या होगा ऐसा यूनिट में? यूनिट न्यूटन होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ऐसा गलती नहीं करने का, कोई भी फोर्स रहे उसको हमेशा
ऐसा यूनिट अगर कोई पूछे तो उसका यूनिट हमेशा न्यूटन ही बताना, सीजीएस में पूछे तो डाइन बताने का। एक तो ये था रिजल्टेंट का, याद रखना ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रहेगा सबको याद? यस सर। ओके यस, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अभी हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। दो फॉर्मूला पढ़ना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला था रिजल्टेंट का और दूसरा हम लोग को टेन अल्फा निकालना है। यहाँ से दो चीज अननोन रहता है, एक हम लोग का रिजल्टेंट, आप लोग को क्या क्या दे देगा क्वेश्चन में, आपको दे देगा थीटा का वैल्यू, ठीक है, थीटा दे देगा, थीटा का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, ये वाला थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये एफ वन एफ टू दिया हुआ रहेगा, आपको कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट और अल्फा। तो रिजल्टेंट के लिए मैंने तो आपको फॉर्मूला बता दिया, अब टेन अल्फा आप लोग अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ ये सारा प्रूफ मैं आप लोग को, हाँ अगर टेन अल्फा का बात करूं मैं, एफ टू इंटू साइन थीटा, एफ टू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखने का, याद रखना अल्फा किसके साथ है, रिजल्टेंट और एफ वन के साथ है। यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये सब चीज को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, यहां पे अल्फा मेरा क्या क्या था, अल्फा किस किस के बीच में एंगल है, एफ वन और रिजल्टेंट के बीच में, और मेरा थीटा किस किस के बीच में है, थीटा एंगल एफ वन और एफ टू के बीच में था, ये सारा चीज याद रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मेरा क्या है एफ वन और इधर एफ टू है, इसका रिजल्टेंट मेरा है किधर, ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरा एफ वन है, ये मेरा एफ वन है, ये एफ टू है, ठीक है। मेरा क्या है यहाँ पे, पहला वाला फिगर ए नंबर, फिगर ए इसको बोल देता हूँ मैं, इसको फिगर बी बोल देता हूँ, ठीक है, इस वाले का एंगल कितना है, थीटा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस अल्फा को चेंज करके मैं ये वाले के साथ अल्फा रख देता हूँ, ये वाले के साथ, अब अल्फा मैं चेंज कर दिया, ठीक है, एफ टू के साथ मैं अल्फा रख दिया। अब क्या होगा टेन अल्फा का वैल्यू, यहां से बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, किसके साथ है, अब एफ वन साइन थीटा, एफ वन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ टू प्लस एफ वन इंटू कॉस थीटा, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, जिसके साथ एंगल में रहता है फोर्स वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ नहीं है। आप देखिए पहले वाले फिगर में अल्फा किसके साथ, एफ वन के साथ बना रहा था, इसी वजह से इसके साथ कोई भी एंगल जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे एफ टू के साथ साइन थीटा, यहाँ पे एफ टू के साथ कॉस थीटा है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा वाले का बात करें, यहाँ पे दूसरा वाले का बात करें, यहाँ पे अल्फा एफ टू के साथ बना रहा है, इसी वजह से एफ टू के साथ कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ एफ वन के साथ ऊपर साइन थीटा है, यहाँ F1 के साथ नीचे cos थीटा है, बस डिफरेंस आपको यही देखना है कि थीटा दोनों फोर्स के बीच का एंगल है और अल्फा रिजल्टेंट और किसी एक फोर्स के साथ होगा, वो क्वेश्चन में किस फोर्स के साथ दिया हुआ रहेगा उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर F1 के साथ दिया हुआ है, अगर F1 के साथ दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर F2 के साथ दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो वो डिसाइड करेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन को देख करके कि किसके साथ ये अल्फा एंगल दिया हुआ है हमको, ठीक है। yes, समझ yes, में आया क्या, डिफरेंस समझ में आया आप लोग को? yes, ले लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा आप लोग को, एक बार ट्राई करिएगा।